फ्रेंड्स, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक। ये समर स्पेशल है तो मैंने आज बनाया है 4 डिफरेंट टाइप ऑफ योगर्ट स्मूदीज। तो चले देखते हैं क्या क्या बनाया मैंने। फर्स्ट मैंने लिया है 3 स्ट्रॉबेरीज जो फ्रेश हैं, बिल्कुल फ्रूट्स ये। उसको मैंने अच्छे से कट कर दिया है। लास्ट टाइम मैंने जीरा जूस बनाया था, वो आप मेरे लिंक डिस्क्रिप्शन में देख सकते हैं। तो ये मैंने ऐसे कट करके डाल दिया है, तो आप भी ज़रूर ट्राई कीजिए घर में, क्योंकि समर स्टार्ट हो गया है। तो मैं आपके लिए इजी मेथड्स जो है बता रही हूँ, तो प्लीज़ ट्राई एट योर होम। ये बहुत ही इजी है बनाना। तो मैं यहाँ पे बना रही हूँ योगर्ट स्मूदीज, मतलब योगर्ट लस्सी, जो मैंने फ्रेश फ्रूट से बनाया है। यहाँ पे मैंने 3 फ्रेश फ्रूट लिए थे स्ट्रॉबेरीज, उसमें मैंने 2 टेबलस्पून भर के चीनी डाला है और 2 टेबलस्पून भर के कर्ड डाला है, मतलब दही डाला है। और मैंने इसको जूसर जार में डाल के ऐसे पूरा अच्छे से ग्राइंड कर लिया है। ये देखिए बन गया हमारा स्ट्रॉबेरी लस्सी। तो अब हम बनाते हैं नेक्स्ट स्मूदी लस्सी, जो मैं ग्रेप से बना रही हूँ। तो मैंने यहाँ पे थोड़ा सा एक बंच ऑफ ग्रेप्स जो है मैंने लिया है। यहाँ पे मैंने लिया है 2 टेबलस्पून भर के कर्ड, उसमें मैंने डाला है 2 टेबलस्पून भर के चीनी। अगर आप चाहिए तो इसमें इलायची भी डाल सकते हैं, लेकिन ये आपका ऑप्शन है, अगर पसंद है तो डालें, नहीं तो स्किप करें। ये भी मैंने अच्छे से जूसर में ग्राइंड कर लिया है। ये देखिए कितने अच्छे से बन गया है हमारा ग्रेप्स लस्सी। अब हम बनाएंगे नेक्स्ट जो स्वीट लस्सी है, जो हम हमेशा घर में बनाते हैं। बहुत ही इजी है फ्रेंड्स, आप ज़रूर ट्राई कीजिए। ये मैंने लिए 2 टेबलस्पून भर के कर्ड और 2 टेबलस्पून भर के चीनी। इसमें भी आपका ये ऑप्शनल है, अगर चाहिए तो डाल सकते हैं, नहीं तो स्किप कर सकते हैं इलायची, तो मैंने नहीं डाला है। सो ये हमारा बन गया है स्वीट लस्सी, जो बहुत ही इजी है बनाना। यहाँ पर हमारा ऑप्शनल है, जो हमको फ्रूट्स पसंद है उसका हम बना सकते हैं, जो फ्रेश फ्रूट्स हैं और भी टेस्ट अच्छा होगा। तो ये बन गया है स्वीट लस्सी। नेक्स्ट मैं बना रही हूँ थोड़ा सा चटपटा मसाला वाला। सो मैंने यहाँ पे लिया है 2 टेबलस्पून भर के कर्ड और एक छोटा हाफ चम्मच भर के जीरा लिया है और थोड़ा सा मैंने लिया है साल्ट, नमक और एक हरी मिर्ची मैंने लिया है और यहाँ पर लिया थोड़ा छोटा सा अदरक और 2 पत्ते मैंने लिए कड़ी पत्ता और थोड़े से पत्ते मैंने लिए है कोरिएंडर लीव्स, जो धनिया पत्ता है, और मैंने इसको अच्छे से ग्राइंड कर दिया है। ये हमारा बन गया है मसालेदार लस्सी। सो फ्रेंड्स, ये बहुत ही इजी है बनाना, तो आप ज़रूर ट्राई कीजिए घर में। फ्रेंड्स, ये रहे हमारे 4 डिफरेंट टाइप ऑफ स्मूदी लस्सीज। तो फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में एक नए रेसिपी के साथ। मेरे चैनल को सपोर्ट कीजिए। फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह। टेक केयर, बाय, अल्लाह हाफिज़।